दोस्तों आज की कहानी है माँ आप हर छोटी छोटी सी बात पर भाभी को दोष क्यों देती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। ये कैसी सब्जी बनाई तुमने, कितना ज्यादा मिर्च डाल दिया है। मधु चिल्ला कर बोली, मैंने तो बहुत कम मिर्च डाली थी मम्मी जी। निहारिका एकदम से घबरा गई, पता नहीं क्या सिखा कर भेजा है माँ बाप ने, कोई काम ढंग का नहीं। अब नवीन कहाँ पीछे रहने वाला था, मम्मी सब्जी तो सचमुच बिल्कुल भी तिक्की नहीं है। लवली को बहुत बुरा लगा। इस तरह से नवीन और मम्मी का चिल्लाना और कल आप गोल गप्पे तो बड़ा स्वाद ले लेकर खा रही थी, जबकि वो तो बहुत ही तिक्के थे। अरे लवली तुम नहीं जानती, कोई काम कायदे से नहीं करती। निहारी का साय जितना भी समझा लो, अभी तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, इसीलिए नहीं समझ पाई। मम्मी मैंने इन 2 ही दिनों में बहुत कुछ देख सुन लिया। आप लोग हर छोटी छोटी बातों पर भाभी को बेमतलब का दोष देते हो। कभी सब्जी कच्ची रह गई, कभी तिक्की ज्यादा हो गई, कभी कपड़े साफ नहीं धुले, कभी सोती बहुत ज्यादा हो, कभी दिन भर मोबाइल चलाती हो। आगे आगे आप कुछ कहती हैं और भैया भी आपका अनुसरण करने लगते हैं। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि उनका आप प्यार से भी समझा सकती हैं, लेकिन आप भैया के सामने उन्हीं बातों का बतंगड़ बना देती हैं और वो भी आपके सम्मान की खातिर भाभी से उल्टा सीधा बोल देते हैं। अरे उनको समय दीजिए हर चीज समझने का और फिर वो बात आप लोग प्यार से भी तो समझा सकते हो। आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लवली अपनी मम्मी और भैया के व्यवहार से बहुत दुखी नजर आ रही थी। तुमको बड़ा भाभी की चिंता हो रही है, क्यों ना हो मम्मी, आखिर मैं भी किसी के घर की बहू हूँ। मुझको तो आप कभी नहीं डांटती थी, बल्कि यही कहती थी कि धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अब अपनी बराबरी तो निहारिका से तो ना ही करो, बेटी बेटी होती है और बहू बहू ही। क्यों मम्मी मेरी तरह वो भी तो किसी की बेटी ही है, और अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मात्र 2 महीना। अरे कहाँ तक टोको उसको, तभी नवीन भी सिड़ता है। इतने दिनों में तो व्यक्ति सब कुछ सीख जाए, और फिर तुम क्या समझती हो कि मैं उसे प्यार नहीं करती। लाख आप भाभी को प्यार करती
हैं, लेकिन इस तरह बात बात पर झिड़केगी तो उनके दिल में आपके लिए प्यार खत्म हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं सहती। आप उनको यही सब बातें प्यार से समझाइए। आपको पता मम्मी, जब मैं ब्याह कर ससुराल गई थी तो मेरी मम्मी जी सासू माँ सारा काम बड़े प्रेम से सिखाती थी, जबकि आपने तो मुझे किसी काम में पारंगत नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया, बल्कि वो तो यही कहती थी कि आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारण घर के काम काज में पिसड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमको कुछ ही दिनों में हर काम में पारंगत कर दूंगी, और आप तो भाभी के मम्मी पापा को भी दोष देने से पीछे नहीं हटती। सोचिए, अगर मेरी मम्मी जी इसी तरह की बातें आपके लिए करती तो आपको कैसा लगता, और आपके इस तरह डांटने से वो और भी कोई काम डर की वजह से अच्छी तरह नहीं कर पाएगी। नवीन की शादी के समय लवली के बच्चों की परीक्षा चल रही थी। वो शादी के समय 2-3 दिन ही रुक कर वापस चली गई थी, और अब बच्चों की विंटर वैकेशन होने के कारण कुछ दिन भाभी के साथ मस्ती करने की सोची, लेकिन यहाँ का तो नजारा ही बिल्कुल अलग था। जिन मम्मी जी को सभी लोग बहुत सीधा कहते थे, और लवली भी इस बात को मानती थी कि मेरी मम्मी हाँ सचमुच बहुत सीधी हैं, लेकिन सास बनते ही उनका अलग रूप नजर आ रहा था, और ये सब लवली को बिल्कुल भी नहीं सुहा रहा था। मम्मी, मुझको तो लगता है कि आपके अंदर सासपना आ गया। आप ये सोच लीजिए, अगर आप सास बन कर रहेगी तो शायद सम्मान ना पा पाए, लेकिन अगर आप भाभी की दोस्त बनकर रहेगी तो भाभी आपका सदैव सम्मान करेगी। और अब ये आपके हाथ में है, प्लीज मेरी अच्छी मम्मी आप पहले जैसी ही बन जाइए ना, मेरी ही तरह भाभी को प्यार करने के लिए लवली मधु का वही प्यार वाला रूप देखना सहती थी। बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैं सास बन बैठी थी कि अभी से बहू को दबा कर रखोगी तभी सम्मान पाओगी, और बेटा भी मुट्ठी में बना रहेगा, नहीं तो वो बेटे को लेकर दर किनार हो जाएगी। मैं गलत थी जो मैंने दिल की ना सुनकर लोगों की बातों को सच मान लिया, लेकिन अब मैं निहारिका की भी मम्मी बनकर दिखाऊंगी। मधु को सचमुच अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी मम्मी कि आप मेरी बातों को मानकर भाभी को पूरा पूरा सम्मान देगी। मेरी अच्छी मम्मी
इतना कहकर लवली मद्दू के गले लग गई और बाहर खड़ी निहारी का उन दोनों के लिए साय लेकर आई थी और अपनी ननद की इतनी प्यारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि कितनी सहजता से दीदी ने उसके प्यार का हक दिलवा दिया।